सो हे नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं युवराज आप सभी लोगों का इस नए वीडियो के अंदर स्वागत करता हूं। तो गाइस फाइनली यहां पर पोको F1 पर भी MIUI 12 का स्टेबल अपडेट है, उसको Xiaomi ने रेंडमली रिलीज कर दिया है। तो कई लोगों का मुझे कमेंट आया था कि भाई पोको F1 पर नया अपडेट है, उसको कैसे अपडेट किया जाए, कैसे इंस्टॉल किया जाए, उसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाओ। तो गाइस आज की वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि कैसे आप भी अपने पोको F1 पर MIUI 12 का जो सेकंड अपडेट आया है उसको कैसे इंस्टॉल कर पाएंगे। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास अभी पोको F1 है और करंटली मेरे फोन पर यहाँ पर MIUI 11 का एक अपडेट है, उसको यहाँ पर मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। तो गाइस ये जो MIUI 12 का जो लेटेस्ट अपडेट आया है वो सभी यूजर के लिए अभी रोल्ड आउट नहीं हुआ है, तो आपको यहाँ पर अपडेटर पर ये अपडेट अभी नहीं मिलेगा। कुछ रेंडम यूजर को ये अपडेट मिल चुका है, पर सभी के लिए अभी फिलहाल के लिए इसको रोल्ड आउट नहीं किया गया है। शायद एक वीक के अंदर सभी यूजर को यहाँ पर OTA के द्वारा वो अपडेट मिल जाएगा। पर आज के वीडियो में गाइस मैं आपको बड़ा ही आसान तरीका बताने वाला हूँ इस अपडेट को इंस्टॉल करने का। तो इसके लिए गाइस आपको बूट लोडर को अनलॉक करना पड़ेगा और कोई भी कस्टम रिकवरी है उसको आप या तो इंस्टॉल कर सकते हैं या तो आपने टेम्परेली आपने फोन के अंदर उसको बूटअप कर लेना है। तो गाइस यहां पर मैंने उसका फाइल है उसको डाउनलोड कर लिया है। डिस्क्रिप्शन में आपको ये दो फाइल का लिंक मिल जाएगा। एक हमारा इंक्रिप्शन का फाइल होगा जिससे हमारा फोन इंक्रिप्ट नहीं होगा इस अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद, और दूसरा जो फाइल है वो हमारा मेन रोम का फाइल होगा। तो इन दोनों को आपने डाउनलोड कर लेना है। इन दोनों को डाउनलोड करने के बाद यहां से फोन को करना है पावर ऑफ, उसके बाद वॉल्यूम अप एंड पावर की को एक साथ प्रेस करके आपको रिकवरी मोड में ओपन कर लेना है। तो यहां से हम इसको ओपन कर लेते हैं भाई। तो गाइस यहां पर हमने पोको F1 पर TWRP का लेटेस्ट वर्जन है उसको टेम्परेरीली बूट कर दिया है। अगर आपको नहीं पता है कि भाई थोड़े टाइम तक कैसे आप TWRP को अपने फ़ोन पर बूट कर सकते हैं तो उसका कमांड लाइन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहां पर जाके बस आपको कमांड लाइन को टाइप कर देना है विंडोज़ पर, तो आपका फ़ोन के अंदर भी इस तरीके से एक TWRP है वो थोड़े टाइम तक बूटअप हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो आपका जो मेन रिकवरी है वो अपने आप ही वापस आ जाएगा। तो गाइस यहाँ पर सबसे पहले तो आपको बैकअप पर क्लिक करना है। जितना भी आपका डेटा है, फोटो से फाइल है और ऐप है, उसका यहाँ से बैकअप बना लेना है, क्योंकि जैसे ही आप इस अपडेट को इंस्टॉल करेंगे तो सारा डेटा है उसको आपने एक बार फॉर्मेट करना पड़ेगा। और गाइस यहाँ पर आपको ख्याल भी रखना है कि भाई 30% से ज़्यादा बैटरी होना चाहिए, वरना आपका फ़ोन है वो बाद में स्टक हो जाएगा, तो इस बात का हमने ख्याल रखना है। अभी आपको यहाँ पर वाइप पे क्लिक करना है, एडवांस, उसके बाद डेलविक सिस्टम डेटा वेंडर, इन सभी को आपने इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है। अभी यहाँ से आपको बस स्वाइप करना है, तो जैसे ही आप स्वाइप करेंगे तो वेंडर सिस्टम पार्टीशन ये सब कुछ फॉर्मेट हो जाएगा। अभी आपको यहाँ पर इंस्टॉल पे आना है, जहाँ पर भी आपने इन दोनों फाइल को इंस्टॉल किया है डाला है वहाँ पर जाना है। उसके बाद सबसे पहले पोको का जो अपडेट फाइल है उसको आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है, और सेकंड में आपको यहाँ पर जो डिक्रिप्शन का फाइल है उसको भी यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर गाइस आप देख सकते हैं भाई अपडेट अभी इंस्टॉल हो रहा है, और गाइस इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई आपने TWRP से इसको इंस्टॉल किया है। अगर आपके पास इंडियन फ़ोन है या फिर ग्लोबल पोको का फ़ोन है तो इससे भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऑफिशियल की तरह ही ये वर्क करेगा, कोई भी यहाँ पर आपको प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। तो अभी मैं इस प्रोसेस को स्किप कर देता हूँ और डायरेक्टली आपको आगे का प्रोसेस बता देता हूँ कि कैसे आप आगे इसको प्रोसेस कर पाएंगे। तो गाइस यहाँ पर हमारा नेक्स्ट स्टेप ये रहेगा कि आपको वापस से मेन मेनू पे आना है, उसके बाद वापस से आपको वाइप पे क्लिक करना है, यहाँ पर फॉर्मेट डेटा है उस पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको यस टाइप करके ओके कर देना है। यहाँ पर गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे ही आप यस टाइप करेंगे तो आपका फ़ोन है वो कम्प्लीटली जो है वो फॉर्मेट हो जाएगा। तो मेक श्योर करना है कि भाई आपने आपका जितना भी डेटा है उसको एक बार बैकअप बना लिया है, उसके बाद ही आपको इसको करना है।
अभी यहाँ से सिंपली आपको रिबूट कर लेना है और बस वेट करना है जब तक आपका फ़ोन है वो अपने आप ही बूट अप नहीं हो जाता। अगर आप यहाँ से इसको रिस्टार्ट करेंगे या फिर पावर ऑफ करने की ट्राई करेंगे तो हो सकता है कि भाई आपके फ़ोन पर ये बूट ना करे। तो ऐसा आपको नहीं करना, सिंपली 5 से 6 मिनट वेट करना है, ये अपने आप ही बूट अप हो जाएगा। तो गाइस फाइनली यहाँ पर हमारे पोको F1 पर MIUI 12 इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पर गाइस आपको जैसे ही पहली बार आप पोको F1 पर MIUI 12 को अपडेट करेंगे तो यहाँ पर आपको MIUI 11 का जो नोटिफिकेशन शेड्यूल देखने को मिलेगा। अगर आपको MIUI 12 का कंट्रोल सेंटर इनेबल करना है तो यहाँ से आप नोटिफिकेशन सेट का जो सेटिंग है वहाँ पर जाके आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहाँ से आप उसको कर पाएंगे। और अदर ऑप्शन जैसे कि यहाँ पर आपको एंड्रॉइड 10 जेस्चर बार, तो ये आपको पोको फ़ोन के अंदर अभी नहीं मिलता है तो आप उसको एक्टिवेट नहीं कर सकते। तो यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ भाई, आप जैसे फुल स्क्रीन डिस्प्ले को एक्टिवेट करेंगे तो यहाँ पर आपको ये फीचर अभी नहीं मिलता है, पर फ्यूचर अपडेट में शायद आपको पोको फ़ोन के अंदर भी ये देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से गाइस आप अपने पोको F1 पर MIUI 12 का जो लेटेस्ट अपडेट है उसको इंस्टॉल कर पाएंगे। आशा करता हूँ कि गैस आपको ये वीडियो है वो पसंद आया होगा। अगर गैस आपके कोई भी सवाल है या फिर आपको ये अपडेट इंस्टॉल करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो बस गैस आज का वीडियो यहीं तक था, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।